हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज थापा ब्लॉग्स। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम के बाद आज ब्लॉग शूट हो रहा है और आज का हमारा ब्लॉग स्पेशल है। जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग ब्लॉग नंबर 2 में अगर आपको याद हो, मैंने एक हमारे घर के शेफ़ के बारे में बताया था, जो कि ओकेशनली कभी कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं तब वो शेफ बाहर आते हैं ऑन डिमांड। तो आज वही शेफ हमारे साथ हैं। तो आज के ब्लॉग में हम अपना जो स्पेशल है वो है, आज मोमोज बना रहे हैं, का हम एक मोमोज चैलेंज भी रखने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल शेफ ओकेशनली आने वाले। चलो इनसे थोड़ा बात करते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते सबको, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मोमोज। तो उसकी थोड़ी सी मैं रेसिपी आपको बता दूँ। पहले मैं जा रही हूँ मसाला बनाने इसका, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या क्या बनता चलता है। तो बहन, ये अभी तक का पूरा जो इंग्रेडिएंट्स हमारा तैयार हो चुका है, ये है कीमा, चिकन कीमा। ये भी मैंने बनाया है चिकन कीमा, मैंने बना के रेडी करी है। मैंने बनाया कीमा अपने हाथों से, कीमा पीसा उसको, हाँ कट 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 कट, हाँ कीमा। उसके बाद ये कैबेज है, मैं थोड़ा सा कैबेज भी मिक्स करने जा रही हूँ इसमें, क्योंकि सिर्फ चिकन चिकन थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता। सो ये मैंने कैबेज को भी कद्दूकस करके इसको निचोड़ के रखा था। सो आप भी अगर कैबेज डाल रहे हो तो उसको निचोड़ना ज़रूर, नहीं तो फिर ये बाद में पानी छोड़ देता है। सो आई एम गोइंग टू ऐड कैबेज, उसके बाद मैं डालूँगी ऑनियन। ऑनियन भी बहुत सारा लगता है इसमें। ये फ्रेंड्स ऑनियन, ऑनियन के साथ ये कोरिएंडर, ऑनियन ये कोरिएंडर भी है साथ में, जिनको इंग्लिश में नहीं पता हरा धनिया उनके लिए। और ये गार्लिक एंड जिंजर, इसको ये जो चॉपिंग है ये सारे मेरे भांजे ने किया है, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन चॉपिंग। थोड़ा बहुत मैंने भी किया है। हाँ, इन्होंने ये गार्लिक इन्होंने चॉप कर दिया। ग्रीन चिली, हाँ ग्रीन चिली बहुत सारा मैं ऐड करूँ, बच्चे खा पाएंगे। ये तो कम भी किया है, डाल दो डाल। उसके बाद हम डालेंगे मसाला, ज़्यादा नहीं, 1 स्पून। फ्रेंड, ये नमक और मसाला, इसमें गरम मसाला घर का पिसा हुआ है, इसमें कोई स्पेशल नहीं। हम रेड चिली बहुत कम खाते हैं तो रेड चिली मैं ऐड नहीं कर रही, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी ऐड करना है। आप तेल ऐड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यमी नहीं होगा। अजीना मोटो आपकी मर्जी है, ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हमने अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा मोमोज का जो मसाला है वो बन रहा है, अंदर की जो स्टफिंग है, उसके बाद मैदा गूनेंगे, फिर उसके मैदे फिर बेलना है, स्टफिंग करना है, शेप। सबसे जो मुश्किल काम है वो है मोमोज को शेप देना, तो उसमें यही एक्सपर्ट है हमारे शेफ, बाकी तो बस ऐसे ही खेलते रहते हैं। उसके बाद ज़्यादा टाइम लगेगा स्टीम होने में, स्टीम होते ही मोमोज तैयार, देन खाने के लिए रेडी। भूखो की तरह पड़ता है, भूखो की तरह। और फ्रेंड्स, क्या करें, मार्केट बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लेकिन ये जो जीभ है लपलपाती है नए कुछ खाने के लिए, तो घर में बनाते हैं, घर में बना के खाते हैं। बाहर का आजकल थोड़ा सा हाइजीनिक भी नहीं रहता, तो सेफ है, घर पे बनाएं, घर पे खाएं। और आजकल बहुत लोग अवॉइड ही कर रहे हैं बाहर का ना खाएं, तो जितना हो सके फ्रेंड्स घर में बनाएं, जो पसंद है आपको। यूट्यूब में आजकल आपको सब कुछ मिल जाता है, घर में बनाएं, खाएं सेफ, हाइजीनिक, साफ। आगे देखते रहते हैं आगे क्या क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मोमोज की तैयारी प्रिपरेशन चल रही है, और इधर हमारे दो पेटू बैठे हैं जो कि मोमोज के बहुत बड़े चाहक हैं। ये है मार्शल थापा, इनको मोमोज बहुत पसंद हैं। ये है मिराज थापा, इनको भी मोमोज बहुत पसंद हैं, और इनको आज बोला है भी जब तक मोमोज नहीं बनेंगे आप कंटिन्यू सप्लाई करते रहोगे, नहीं तो आपको मोमोज नहीं मिलेंगे।
कुछ पढ़ भी रहे हो तुम दोनों, बस ऐसे लेटे हुए बुक्स लेके वेट कर देते हो मोमोज बनेंगे। वो पाद पे पाद मार दिया है आपका पेट जिसमें 40 मोमोज खाएंगे। अभी मोमो खाओगे सुबह क्या करोगे? सो फ्रेंड्स अभी मसाला हमारा तैयार हो चुका है और मैदा खुल चुका है। अब हम इसके छोटे 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 पूरी टाइप बनाएंगे और इनको तो आप जानते ही हो। अभी हमारा ये बेलने का प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। ये देखिए छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं और इस बेलने के प्रोसेस में मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देने जा रहा हूँ। फटाफट हम बेलेंगे, उसके बाद स्टफिंग करेंगी मेरी मैडम जो हमारी आज की हेड शेफ हैं, और आगे आपको दिखाएंगे कैसे स्टफिंग होती है, कैसे उसकी शेप बनती है। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स बेलने का प्रोसेस हमारा कंटिन्यू है और इधर हमारा सेकंड प्रोसेस शुरू हो चुका है। प्लीज़ हमारे शेफ हमें बताएं कि ये मोमोज बनाने आपने कहाँ से सीखे? ये मैंने अपनी मम्मी से सीखे। फिर भी मुझे वैसा प्रॉपर बनाना नहीं आता जैसे मम्मी बनाती है, या वो स्पीड नहीं है मेरी, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कम ही खाते हैं मोमोज। तो जब मैं मायके में थी तो ये स्टफिंग का काम मम्मी करती थी, मैं सिर्फ बेलती थी। तो अब यहाँ ससुराल में तो और किसी को भी नहीं आता, सो मैंने थोड़ी बहुत आती है, मुझे भी जो आती है वो मैंने मम्मी से सिखाया। सो इट्स टाइम टू हैव अ लुक ऑफ आवर मोमोज कैसे स्टीम हो चुके हैं वो। ये देखिए मोमोज फ्रेंड्स ऑलमोस्ट तैयार हैं, तो अब मिलते हैं अपने डाइनिंग टाइम पे। फ्रेंड्स अभी हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं, एक मोमो चैलेंज होने जा रहा है। हम देखेंगे भी जो मोमोज हैं सबसे पहले कौन फिनिश करेगा। लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट आज हमारे मोमोज कैसे लग रहे हैं और उसके साथ हम क्या क्या खाने वाले हैं। ये प्लेट्स लग चुकी हैं मोमोज की और ये चटनी है जो मेहमान ने बनाई है, ये है चिकन सूप मेहमान ने बनाया। सो अभी हमारा ये मोमोज ईटिंग चैलेंज शुरू होने वाला है। तो ये है हमारे कंटेस्टेंट मिराज मार्शल, ये हमारे बंदी शोभू, ये है हमारे शेफ हेड शेफ, ये हूँ मैं। तो अब हमारा मोमोज ईटिंग चैलेंज शुरू होने वाला है। सबके पास 15-15 मोमोज हैं और हम सबसे पहले कौन खाएगा वो हम नोट करेंगे, ठीक है? सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yeah.
फ्रेंड अभी तक इस कंपटीशन में इस चैलेंज में सबसे आगे चल रहे हैं हमारे विराज थापा। इनकी प्लेट में देखो थोड़े से मोमोज बचे हैं, उसके बाद मार्शल और सबसे ज्यादा मेरी प्लेट में पड़े हैं। ओह माय गॉड, विराज पर कैसा लगा आप मोमोज कैसे बने? बताओ मार्शल, बहुत अच्छा है। थैंक यू हमारी हेड शेफ, आज मोमोज का हमारा चैलेंज सक्सेसफुल रहा। मेरी प्लेट का खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा। और ये भानु का हमारा विनर भानु, क्लैपिंग भानु के लिए क्लैपिंग। अब सेकंड रनर अप हमारे सेकंड रनर पे हैं मिराज, और ये लास्ट मोमोज खाते हुए अपना लास्ट। ओह माय गॉड, और इसी के साथ सेकंड रनर अप मिराज, क्लैपिंग मिराज के लिए। आज मार्शल कैसे हार गया भाई, क्या बात है। आराम से खाओ, अब आराम से खाओ, कोई बात नहीं, अब चैलेंज खत्म हो चुका है। तो मिराज आपको कैसा लग रहा है चैलेंज जीत के सेकंड पोजीशन पे आके? बहुत अच्छा। और खाना चाहते हो मोमोज? यस। ओह माय गॉड, सो फ्रेंड्स चैलेंज हमारा खत्म हो चुका है। हमारा भांजू भांजा भानु भांजा फर्स्ट, और सेकंड मिराज पतला सा पेट का था आज, उसने बोला था मैं 120 मोमोज खाऊंगा, 15 मोमोज चट कर गया इतनी जल्दी। हमारी आज की थर्ड विनर है हमारी शेफ प्लेट चट, और ये मोमोज सूप का आनंद लेते हुए मिराज प्लेट में और मोमोज जाने। देखिए कोई जो बता रहे, कोई जो बता रहे, ये दोनों भाई बहन। फ्रेंड मैं आपको थोड़ी देर में कंटिन्यू करता हूँ, मेरे मोमोज वैसे के वैसे पड़े हैं। फ्रेंड मोमोज मेरे ठंडे हो गए हैं, तो मैं पहले इनको खा लूँ, फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, प्लेटें सबकी खाली हो चुकी हैं, सबका आज हैवी डिनर हो चुका है, और सेकंड सबसे ज़्यादा मोमोज खाने वाले मेरे छोटे बेटे। कितने मोमोज खाए इसने? 20 से ज़्यादा खा लिए। मार्शल आज पानी क्या बात है भाई, आज फॉर्म में नहीं था। तो खाने वाला होता। सो फ्रेंड्स प्लेटें हमारी खाली हो चुकी हैं, और हमारा आज का जो डिनर है एंडिंग हमारी इस नींबू पानी से हो रही है। प्लेट हो चुकी खाली, अब हम पीने जा रहे हैं नींबू पानी। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और एवरीवन प्लीज स्टे विद मी। देखो भाई, इधर देखो, stay with me, bye bye, और please सब बोलो please like and subscribe my channel, till then bye bye, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, हाँ इनको इंस्टा पे फॉलो करो, bye guys, bye, good night, मिलते हैं next vlog में, take care and be safe.